अस्सलाम वालेकुम। डोमिनोज लावा केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुकिंग चॉकलेट चाहिए 140 ग्राम। फिर हम डालेंगे इसमें मक्खन 1/4 कप और फिर शामिल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क 1/3 कप। तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे और माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव तकरीबन 1 मिनट तक करें और इसके बाद इसको मिक्स कर लें। अगर जरूरत पड़े तो आप चंद सेकंड और भी माइक्रोवेव कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रह जाएं और इसका टेक्सचर भी स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख देंगे और इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छानकर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा 1/2 कप। आइसिंग शुगर मैंने इस्तेमाल की है 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम भी कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें 1/4 कप कोको पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून या चुटकी भर नमक इसमें शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीजों को हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसमें चॉकलेट को मिक्स करेंगे। चॉकलेट अब हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा हार्ड लगे तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून वार्म वाटर आप इसमें या पानी, नीम गर्म पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत मुनासिब है और मुझे इसमें जरूरत नहीं है कि मैं इसमें पानी ऐड करूं। 10 मिनट के लिए हम इस बैटर को काउंटर पे छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद अगला प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। रेमेकन्स को मैंने ग्रीस कर लिया है और फ्लावर डस्ट कर दिया है इसके ऊपर। अब मैं इसमें बैटर को फिल करूंगी। हमने पूरा फिल नहीं करना क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है और बेकिंग पाउडर की वजह से ये बैटर फूलेगा। अवन को प्रीहीट कर लें और 180 डिग्रीज के ऊपर इसको बेक करेंगे और बेक करने का टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट और आपने इसको चेक करते रहना है। जब इसके कॉर्नर्स, इसके जो साइड्स हैं वो कुक हो जाएं तो आप इसको बाहर निकाल लें। बेक करने के बाद मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। ये इस वक्त इंतहाई गर्म है और आप देख सकते हैं कि जब मैं दरमियान से इसको टच कर रही हूँ तो ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जो साइड्स हैं ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। अब इसको हम कैसे सर्व करेंगे? सर्व करने के लिए मैं आइसिंग शुगर डस्ट करूँगी। आप इनको रिमेकन से बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसी तरह सर्व करूँगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।